हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमाकांत तिवारी है। कैरियर स्किल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जो हमने कल टॉपिक जो छोड़ा था वो था रेफ्रिजरेशन टूल्स के ऊपर, तो कुछ टूल्स हमने क्लियर कर लिए थे। आज आगे के और जो टूल्स हैं उन पर आज चर्चा करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा पहला टूल है वो है एडजस्टेबल रेंज, जिसके अंदर आप देख सकते हैं दो आपको रेंज लेना है जो कि एडजस्टेबल होंगे। इनके अंदर एक स्क्रू होता है जो कि इसके जो एडजस्टेबल रखता है। आप अलग अलग साइज के फ्लैट नट को जब कसते हैं इंडोर टू आउटडोर फिटिंग के लिए, तो आपको ये टूल की जरूरत पड़ेगी। आपको खास ध्यान ये रखना है कि अगर आप इस टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रेशर से फ्लैट नट टाइट नहीं करना है। अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा टॉर्क या प्रेशर देते हैं तो फ्लैट नट फट जाते हैं और काफ़ी बार ट्यूब भी जो है वो फट जाती है। आपको पता नहीं चल पाता बट वो इंटरनली जो फ्लेयर है वो लीकेज हो जाता है, तो इस चीज का आप खास ध्यान रखें इस टूल को इस्तेमाल करते वक्त। नेक्स्ट आता है लाइन टेस्टर, जिससे आप जनरली ये पता कर सकते हैं कौन से वायर में फेस आ रहा है और किस वायर में न्यूट्रल आ रहे हैं। इसको आप चेक करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप कहीं पे भी काम करने जाते हैं तो लाइन टेस्टर का जब आप यूज करते हैं तो सबसे पहला इसके टॉप पे आपकी एक फिंगर होनी चाहिए। प्लस अगर आप इंसुलेटेड हैं यानी आप शूज वगैरह पहन के काम करते हैं तो आपको शूज नहीं खोलना है, आपको जनरली दूसरा हाथ दीवार के ऊपर रख लेना है ताकि इसकी वजह से आपको काफी बार एकदम क्लियर यहाँ पे जो लैंप है वो ग्लो होता दिखेगा, तो आपको फेस और न्यूट्रल पहचानने में ज्यादा इजी होगा। नेक्स्ट आता है स्क्रू ड्राइवर जो कि आपके जिसे हम जनरली पेचकस के नाम से बोलते हैं। ये दो टाइप का आता है, एक आता है फ्लैट टिप का, एक आता है प्लस, जिसे आप प्लस स्क्रू ड्राइवर बोलते हो, इसे हम कहते हैं फ्लिप स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, तो इससे आप प्लस टाइप के नट खोल सकते हो, स्क्रू खोल सकते हो। देन आता है एलन की। जब आप इंडोर टू आउटडोर यानी पूरे एसी की आप फिटिंग कर देते हो, इंस्टॉलेशन कर देते हो, तो आपको वाल्व खोलने होते हैं। दो टाइप के वाल्व आते हैं, एक आता है लिक्विड वाल्व और एक आता है सर्विस वाल्व। तो उनको ओपन करने के लिए, उनको ओपन और क्लोज करने के लिए आपको इस टाइप की एलन की यूज करनी होती है, जो कि आपके पंप डाउन के काम पे भी आती है और इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी काम आती है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग नोज प्लायर। तो ये जो प्लायर होता है ये जनरली उस जगह काम आता है जहां पे एक छोटी जगह होती है जहां पे कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं जाता है, तो जनरली तारों को पकड़ने के लिए या उनको कट करने के लिए या उनकी इंसुलेशन को हटाने के लिए जनरली काम में लिया जाता है। देन आता है वायर कटर, जिसे हम साइड कटर भी बोलते हैं। जो मोटे थिकनेस के वायर होते हैं उनको अधिकतर काटने के काम आता है और कुछ जीआई वायर को भी काटने के काम आता है। फिर आता है कॉम्बिनेशन प्लायर, ये सबसे ज्यादा यूज आने वाली चीज है। अब हम इसको कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हम इस बीच वाले एरिया से किसी भी नट को आप इसको पकड़ सकते हैं, यानी जकड़ने का काम करेगा। यहां से आप किसी भी चीज को ग्रिप करने के लिए, वायर को या किसी भी चीज को ग्रिप करने के लिए काम आता है। यहाँ पे वायर काटने का भी काम करता है और इसके अंदर एक जीआई वायर जो थोड़े मोटे थिकनेस को होते हैं उनको काटने के लिए इनके बीच में एक स्लॉट आता है। ये जो गैप आता है इसके बीच में आप जीआई वायर डाल के आप इसको कट कर सकते हैं, जो कि हम आगे प्रैक्टिकली समझेंगे। देन आता है सॉकेट रन सेट। ये जो सेट है ये आपको अधिकतर आउटडोर इंस्टॉलेशन में काम आएगा। जब आप फास्टनेट कसते हैं, फास्टनेट के साथ में स्टैंड को दीवार के ऊपर फिक्स करते हैं, तब उन नट को कसने के लिए काम आता है और काफी बार ये वॉशिंग मशीन में भी काम आता है। और इसका अंदर ये जो टूल है ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से काम कर सकता है। इनके ऊपर एक ये टिप आती है, इसको आप एडजस्ट करके इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड में यूज कर सकते हैं। इन पर मल्टीपल सेट आते हैं, अलग अलग नंबर की डाई आती है, उस नंबर की डाई से आप इसको यूज कर सकते हैं। देन आता है नट ड्राइवर। नट ड्राइवर अधिकतर आपके वॉशिंग मशीन में काम आएगा और कुछ जगह फ्रिज में भी काम आता है। तो नट ड्राइवर सिंपल सा जो स्क्रू ड्राइवर होता है जिससे आप स्क्रू खोलते हैं, उस स्क्रू ड्राइवर की फ्लैट टिप या प्लस टिप के बजाय यहाँ पे अलग अलग साइज की टी गोटी के जो गोटी सेट आता है वो लगे हुए आते हैं, अलग अलग नंबर के, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, जो इनकी एमएम साइज होती है। ये आता है रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप रिंग स्पैनर यूज करते हो तो आप इसको नट के साइड से नहीं यूज कर सकते, इसको हमेशा टॉप साइड से डाला जाता है। यानी नट को जो आप डी स्पैनर से साइड से स्लाइड करके डालते हो, इसको आपको टॉप से डालना होगा। देन ये वहां काम आता है जहां पे आपको फोर्स ज्यादा लगाना होता है। आप डी स्पैनर में कभी भी फोर्स ज्यादा यूज करते हैं
तो आप देखेंगे कि जो नट के ऊपर का जो सिर होता है वो घिस जाता है। जब आप रिंग स्पिनर यूज करेंगे इसके साथ ये समस्या नहीं आती है, इससे प्रॉपर प्रेशर आप क्रिएट कर सकते हैं। ये भी अलग अलग साइज के आते हैं, ये आता है डी स्पिनर यानी डबल एंडेड डी स्पिनर, जो कि आप नट को साइड से नट के ऊपर साइड से इसको फिक्स करके देन आप कोई भी नट को इजी गोइंग खोल सकते हैं और कस सकते हैं। आपके पास में आती है फाइल, फाइल के बहुत सारे टाइप आते हैं जिसके अंदर आपको अधिकतर जो स्मूथ फ्लैट फाइल होती है वो यूज करनी होती है, यानी या हमने हमारे यहाँ पे जो फ्लैट फाइल यूज होती है वो बेसिकली पर्पज होता है, जो कॉपर ट्यूब आप कटिंग करते हैं उसके ऊपर जो फ्लैट सरफेस होती है उसके ऊपर कुछ दाने रह जाते हैं, यानी वो थोड़ी खुरदुरी टाइप की रह जाती है, तो उसको आप घिस के उसको फ्लैट कर सकते हैं, उसको स्मूथ कर सकते हैं। तो हम कुछ इस टाइप की जिसकी प्रोफाइल स्मूथ हो, स्मूथ फ्लैट फाइल हम यूज करेंगे। कारपेंटर साहब, जो कि आप विंडो एसी के इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूज करते हैं, अधिकतर आजकल जो कस्टमर होते हैं वो पहले से ही प्रीफिक्स साइज की एक विंडो के अंदर स्लॉट छोड़ दी जाती है या फिर दीवार के अंदर वो स्लॉट रख दिया जाता है, खाचा छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में भी आपको काफी बार ये फ्रेम बनवानी पड़ती है, तो उसमें अगर कुछ छोटे मोटे करेक्शन करने होते हैं तो आप इसकी वजह से कुछ कटिंग करनी हो तो आप इस कारपेंटर शॉप की वजह से आप कर सकते हैं। दूसरी चीज विंडो एसी इंस्टॉलेशन के टाइम की बात है जो मैं थोड़ा बहुत अभी डिस्कस करना चाहता हूँ। कभी भी विंडो एसी जो है या तो वो विंडो में लगेगी या फिर 9 इंच से मोटी दीवार में कभी नहीं लगेगी। 9 इंच से अगर मोटी दीवार है तो उसके ऊपर कभी भी विंडो एसी फिक्स नहीं होगी। 9 इंच या उससे छोटी 6 इंच या 5 इंच की आती है उस पर आप विंडो एसी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आती है मेजरिंग टेप, जो कि आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे काम आएगी, जैसे कि स्प्लिट एसी के अंदर जो माउंटेन प्लेट है उसकी डायमेंशन वगैरह दीवार का नाप लेके आपको कहाँ पे फिक्स करना है उस टाइम पे आपको मेजरमेंट करने में इसका बहुत सहायता मिलेगी। देन आता है हेक्सा, हेक्सा जो आती है वो अधिकतर आती है आयरन को काटने के लिए, किसी भी विंडो एसी इंस्टॉलेशन के टाइम पे या फिर कहीं पे ग्रिल कटिंग करनी है तो उस टाइम पे ये काम में आएगी। देन आती है इलेक्ट्रिकल ड्रिल, इलेक्ट्रिकल ड्रिल दो टाइप से आती है, एक आती है इलेक्ट्रिकल हैमर ड्रिल और एक आती है इलेक्ट्रिकल नॉर्मल ड्रिल। नॉर्मल ड्रिल के अंदर जो ये चक होता है ये केवल घूमता है, कभी भी हैमर की तरह चोट नहीं करता। तो आपको जैसे वुडन के अंदर छेद करना है या कोई स्टील के अंदर छेद करना है या आयरन के अंदर छेद करना है तो उस टाइम पे ये बिट काम में आएगी और ये मशीन काम में आएगी। देन आती है बेंच ऑइस, जो कि आपके अधिकतर सर्विस एरिया मतलब शॉप के ऊपर अगर आप काम करते हैं तब ये काम आती है, अदरवाइज आपको फील्ड में ये काम की नहीं है। बेंच ऑइस अधिकतर आपको कोई भी इक्विपमेंट उसको जकड़ के और उसके ऊपर कोई वर्क करना है उसके काम आएगी। फिर आता है गेज मैनिफोल्ड, गेज मैनिफोल्ड भी सिंगल टाइप भी आते हैं। गेज जो सिंगल होता है आप उसका यूज करने के बजाय गेज मैनिफोल्ड कुछ इस टाइप का मैनिफोल्ड यानी गेज आपको यूज करना चाहिए, जिसके अंदर लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों टाइप के आप डायल का यूज कर सकते हैं। गेज मैनिफोल्ड में हम एक डिटेल वीडियो बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आता है हैमर, हैमर जो आपके इंस्टॉलेशन के टाइम में जैसे पाइपिंग की है, पाइपिंग के अंदर आपको अगर शटल और क्लिप वगैरह लगाना है तब यूज आता है, या जो आप इंडोर टू आउटडोर होल निकालते हैं उसके अंदर कुछ साफ सफाई हो गई तो चिजल और हैमर का यूज किया जाता है। फिर आता है हैमर ड्रिल मशीन, जो कि माउंटेन प्लेट इंस्टॉलेशन हो गई या विंडो एसी इंस्टॉलेशन में काफी बार स्क्रू के लिए दीवार में होल करने पड़ते हैं, स्प्लिट एसी के इंस्टॉलेशन के टाइप में इंडोर टू आउटडोर की पाइपिंग के लिए जो होल किए जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल हैमर ड्रिल के थ्रू किया जाता है। इसके अंदर जो बिट होते हैं उनकी कटिंग कुछ अलग तरह की होती है, अलग टाइप की जाती है। इसके अंदर दीवार में छेद करने के साथ साथ पीछे से हैमर की तरह यानी हथौड़ी की तरह चोट भी दी जाती है मशीन के द्वारा, जिससे होल आसानी से हो जाए, वो चाहे ईंट में हो चाहे पत्थर में हो वो आप आसानी से इसके द्वारा होल कर सकते हैं। स्प्रिट लेवल यानी ये जो लेवल है आप इसका यूज करते हैं माउंटेन प्लेट इंस्टॉलेशन के टाइम पे या फिर विंडो एसी के इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी ये काम आता है, तो इससे आप सुनिश्चित करते हैं कि एसी का ढलान कितना है, वो सीधी लगी है या नहीं लगी है, या कंपनी नॉर्म्स के अनुसार उसमें जितने डिग्री का ढाल होना चाहिए उतना आपने मेंटेन किया है या नहीं किया। कंटिन्यूटी टेस्टर,
ये एक्चुअल में एक तरीके का यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ होता है, ये दो पॉइंट होते हैं किसी भी वायर के बीच में, अगर कोई फॉल्ट होगा तो आप या तो क्लेममीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस यानी बजर का साउंड आता है कंटिन्यूटी पे उस पर सेट करके आप अगर किसी वायर के दोनों सिरों को अगर टच करते हैं तो बीप का साउंड आता है, अगर उससे नहीं करते हैं तो इन दोनों को अगर वायर के दोनों सिरों पे लगाते हैं तो यहाँ पे लैम्प जल जाता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि हमारा वायर बिल्कुल एकदम ठीक काम कर रहा है। देन आता है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप जो है वो किस तरह काम करता है और हमें यूनिट को वैक्यूम क्यों करना चाहिए उसके लिए यूज किया जाता है, और ये जो जितने भी डिस्कशन है ये मैं वैक्यूम पंप का अलग से सेपरेट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वैक्यूम पंप जो है वो एक्चुअल में यूनिट इंस्टॉलेशन के टाइम पे या फिर गैस चार्जिंग के टाइम पे जब आप उसके अंदर प्रेशर देके लीकेज टेस्ट करते हो उन सारे समय आपको यूनिट को वैक्यूम करके फिर गैस चार्जिंग करनी पड़ती है, या फिर आप जब एसी इंस्टॉल कर देते हो, खासकर स्प्लिट एसी, विंडो एसी में जरूरत नहीं पड़ती है, स्प्लिट एसी के अंदर जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो इंडोर को और जो कॉपर ट्यूब्स को वैक्यूम करने के लिए वैक्यूम पंप बहुत जरूरी होता है, इसके ऊपर भी हम एक डिटेल में चर्चा कर लेंगे। देन आता है कैपिलरी ट्यूब गेट, जो कि आप जानते हैं चाहे स्प्लिट एसी हो चाहे विंडो एसी हो, ये एक तरीके का एक्सपेंशन डिवाइस होता है कैपिलरी। तो कैपिलरी ट्यूब को मेजर करने के लिए ये कितने डायमीटर की है उसके लिए ये गेज आता है, तो आपको ये पिन टाइप्स दिख रही हैं, ये अलग अलग साइज की हैं। आप जब कैपिलरी के इस होल में जब ये पिन आप डालते हैं, अगर ये पिन एकदम स्मूथ जा रही है मतलब बहुत ढीली जा रही है तब भी वो एग्जैक्ट साइज नहीं है, और ज्यादा टाइट भी जा रही है यानी उसमें जा ही नहीं रही है आपके दबाव देने पे भी, तो ये डायमीटर उसका सही नहीं है। ये प्रॉपर फिक्स तरीके से जानी चाहिए, ना तो ये लूज हो ना ज्यादा ये टाइट हो, वो कैपिलरी का साइज होगा। प्लस दूसरा होता है इसके अंदर जो एक कट होता है कैपिलरी को, अगर इसके अंदर डालेंगे जहां पे ये कंडीशन आके रुकती है, जहां पे ये डायमीटर आके रुकता है वो उसका एग्जैक्ट साइज होता है। तो कैपिलरी ट्यूब आपको अधिकतर कैपिलरी री इंस्टॉल करने के अंदर काम आता है, तब आपको इसका मदद लेनी पड़ेगी। फिर आता है पिंच ऑफ प्लायर यानी पिंचिंग टूल, ये होता है पिंच ऑफ प्लायर या ये कहलाता है पिंचिंग टूल। इसके अंदर बेसिकली जो ट्यूब होता है गैस चार्जिंग के बाद में काफी बार ये होता है कि आपको पाइप को दबा के और उसको सील करना होता है यानी उसको प्रेसिंग करके उसको बंद करना होता है, तो बेसिकली इसके बीच में आप ट्यूब रख के जब आप इसको दबाते हैं तो ट्यूब के अंदर जो गैस है यूनिट के अंदर वो बाहर नहीं आ सकती है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है यानी जनरली ट्यूब को बिल्कुल ब्लॉक करने का काम करता है। ये है कैपिलरी ट्यूब गेज, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। ट्यूब कटर से आप कैपिलरी को नहीं काट सकते क्योंकि ये बहुत ही पतली पाइप होती है, पतली ट्यूब होती है, इसका एग्जैक्ट डायमीटर से उसको काटने के लिए यही एक कैपिलरी ट्यूब कटर आता है, तो इसी का इस्तेमाल करें। दो टाइप के ट्यूब कटर आपको देखने को मिल सकते हैं, जनरली एक वायर कटर आता है जो कि वी शेप का होता है, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे वी शेप दिख रहा है तो ये वायर कटर है, और जिसमें जनरली ओ शेप दिखेगा आपको ये दिख रहा होगा कि हाफ कट जो दिख रहा है वो यू टाइप का है, तो अगर ये यू शेप का है तो ये एग्जैक्ट कैपिलरी ट्यूब कटर है। फिर आता है प्रेसिंग वाल या प्लायर, ये जनरली फ्रिज के अंदर R600 गैस है उसके लिए, क्योंकि R600 गैस जो होती है वो फ्लेमेबल गैस होती है और वो अधिकतर फ्रिज में डलती है, और फ्रिज का जितना भी काम होता है वो जनरली आप एक कमरे के अंदर यानी थोड़ा पैक स्पेस के अंदर काम करते हैं। इन केस आप मान लीजिए आप किसी कस्टमर के घर पे गए हैं और वहां पे उस आपने फॉल्ट चेक किया तो कंप्रेसर खराब था, उसमें से गैस खत्म नहीं हुई है, तो इन केस आप क्या करते हैं, जनरली गए ट्यूब काटा गैस फ्री की और आप काम करना चालू कर देते हैं, तो R600 गैस लुक लाइक एलपीजी है, बहुत ज्वलनशील गैस है, तो इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है, तो क्या होता है जैसे ही आप इसको काटते हैं ट्यूब को तो गैस वहीं पर आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में रह जाती है, और अगर आप कोई भी ज्वलनशील काम करते हैं तो उस टाइम पे आग लगने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जो चार्जिंग लाइन आती है उसके ऊपर आप इसको चार्जिंग लाइन के ऊपर डाल के इसको टाइट किया जाता है इस नट को, देन जब आप यहां से एक होस पाइप लेके इसको खिड़की से बाहर निकाल देते हैं या दरवाजे से बाहर यानी रूम के बाहर निकाल देंगे, एक सिरा तो यहाँ पे जुड़ा हुआ रहेगा, दूसरा सिरा जो है वो रूम के बाहर छोड़ दिया जाएगा, देन आप इसको जब घुमा के इसको टाइट करते हो तो ये एक होल बना देगा ट्यूब के अंदर,
जिसमें से गैस जो है वो इस एरिया के थ्रू बाहर निकलेगी। यानी जनरली ये जो गैस है वो इस छोटी सी छेद से होते हुए इधर से बाहर निकलेगी, और आपने यहाँ पर आगे अगर होस पाइप कनेक्ट करके आप इसको बाहर निकाल देते हैं तो आपके आसपास किसी भी तरह के आग लगने के चांस नहीं होंगे, क्योंकि जो पूरी गैस है वो बाहर की साइड में, बाहर के एटमोसफेयर में निकल जाएगी। तो जब R600 का काम करते हैं तो आप जनरली इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है स्प्रिंग बेंडर। मैंने आपको डिस्कस किया था कि जब आप मैकेनिकल ट्यूब बेंडर यूज करते हैं तो आप उसको किसी कॉर्नर में यूज नहीं कर सकते, या ऐसी जगह जो थोड़ी छोटी है, कंजेस्टेड है, वहां पर आपके पास में मैकेनिकल ट्यूब बेंडर काम नहीं आएगा। तो वहां पे हम काम में लेते हैं स्प्रिंग बेंडर। ठीक है, ये दो टाइप का आते हैं, एक आता है इनर डायमीटर और एक आता है आउटर डायमीटर। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब आउटर डायमीटर वाले, यानी ये ट्यूब के ऊपर पहनाए जाएंगे, यानी ट्यूब इनके अंदर डलेगी, और जो इनर डायमीटर वाला आता है वो ट्यूब के अंदर जाते हैं, ट्यूब का जो होल होता है उसके अंदर जाते हैं, और वो अप्रोक्स 3 फीट 4 फीट के लेंथ के ही आते हैं, उससे ज्यादा वो लंबे नहीं आते हैं। तो आपको अगर ज्यादा डिस्टेंस के अंदर काम करना है तो आपको ये स्प्रिंग बेंडर जो आउटर डायमीटर है वही यूज करना होगा, जबकि आप कॉर्नर में उसका अच्छे से बेंड दे सके। और इनर डायमीटर वाला जो स्प्रिंग बेंडर है वो अधिकतर आपके काम आएगा इंडोर की, जब आप पाइपिंग यानी इंडोर को जब सेट करते हैं तो हो सकता है जो होल से जो पाइप बाहर निकला है वो अप्रोक्स 2.5 फीट का ही होता है, इससे ज्यादा लंबा कोई भी टेक्नीशियन नहीं छोड़ता है, तो उसके अंदर आप डाल के उसको अच्छे से बेंड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्प्रिंग बेंडर आपका जो आउटर डायमीटर वाला है वो ज्यादा सक्सेस तरीके से काम नहीं आ पाता है। देन सेकंड आता है, जब आप आउटडोर के ऊपर काम कर रहे होते हो तो 5 फीट की जो पाइप है या हाफ की पाइप है वो थोड़ी हार्ड होती है। अब आपने बाई चांस ट्यूब को बेंड करने से पहले आपने फ्लेयर बना लिया, आपने फ्लेंडर डाला, फ्लेयर बना लिया, उसके बाद में आप उसके ऊपर आउटर डायमीटर वाला स्प्रिंग बेंडर यूज नहीं कर सकते। उस कंडीशन में अगर आपको थोड़ी बहुत ट्यूब की सेटिंग करके वाल तक लेके आनी होती है तो आप इनर डायमीटर वाला स्प्रिंग बेंडर यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है रेचेट रिंग, जो कि गैस के जो आपके सिलेंडर होते हैं 2 किलो के 5 किलो के, उनके ऊपर जो वाल लगा हुआ है उनको ओपन और क्लोज करने के काम आता है। इनमें भी एक एडजस्टेबल हिंज होती है जिसको आप सेट करके इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों टाइप से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिनकॉम। फिनकॉम मतलब जो आपके फिंस लगी हुई होती हैं इंडोर में और आउटडोर के कंडेंसर कॉइल और इंडोर के कूलिंग कॉइल पे, वो काफी बार सर्विस के टाइम पे अगर आपने ब्रश व्रश किया है उसके ऊपर तो ये फिंस बेंड हो जाती है, किसी कारणवश बेंड हो गई तो उसकी वजह से एयर फ्लो रुक जाता है, और अगर एयर फ्लो रुक जाएगा तो प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलेगी। उस टाइम पे आप इस टाइप के फिनकॉम यूज करते हैं जो कि अलग अलग साइज के आते हैं, पर फिनकॉम के अंदर दोनों साइड में 2 साइज मिलते हैं या फिर एक मल्टीपल वाला आता है, जिसकी मदद से आप इन फिंग्स को सीधा कर पाते हैं, यानी जनरली फिंग्स के कंधा है ये, जिससे आप फिंग्स को एकदम सही कर सकते हैं ताकि एयर फ्लो मेंटेन रहे। नेक्स्ट आता है डिजिटल टेम्परेचर मीटर। काफी बार फील्ड के अंदर जो भी टेक्नीशियन है वो इसका यूज नहीं करते हैं, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप टेम्परेचर मीटर यूज करें, जिससे आपको फ्रिज के अंदर जो आइस बॉक्स है या एवोपरेटर है उसका टेम्परेचर सही से मेजर करने के काम आएगा, प्लस स्प्लिट एसी की जो रिटर्न एयर, मतलब रिटर्न एयर और जो आपको रिक्वायर्ड एयर है उसके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो पता करने में आसानी होगी, जो ग्रिल टेम्परेचर है वो आपको पता करने में आसानी होगी। इसके साथ में इसमें ह्यूमिडिटी टेम्परेचर भी शो होता है, सॉरी ह्यूमिडिटी टेम्परेचर नहीं, ह्यूमिडिटी परसेंटेज, जो कि आरएच के अंदर आता है कि रूम के अंदर ह्यूमिडिटी कितनी मेंटेन हो रही है। ये आती है आपके पास में रेफ्रिजरेंट कैन। कैन और सिलेंडर दो टाइप की चीजें आती है आपके गैस के लिए। तो जनरली R600 है या फिर R134 है, आप उनके कैन यूज कर सकते हैं, वो भी जो मार्केट में 450 ग्राम का आते हैं। R22 का भी जनरली 450 ग्राम तक का जो कैन है वही यूज करें। अगर R22 में भी अगर 1 किलो का कैन आ रहा है तो आप इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो कैन की जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की है या कास्ट आयरन की होती है, ये इतना प्रॉपर प्रेशर सहन नहीं कर पाते हैं, थोड़ी क्वांटिटी की गैस की प्रेशर ये सहन कर लेते हैं, बट जैसे ही अगर कैन बड़ा होगा तो गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा, और गलती से अगर आपने इसको धूप में और किसी में यूज किया और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो ये कैन ब्लास्ट
हो जाती है, तो थोड़ा सतर्क रहें इन चीजों के ऊपर कि आपको जो लो प्रेशर गैस है केवल वही कैन के अंदर यूज करनी है, बाकी आपको कैन का यूज नहीं करना है, आप सिलेंडर का इस्तेमाल करें। देन उन कैन के ऊपर लगने वाले वाल आते हैं, जनरली दो टाइप के आते हैं, एक पिंच वाल आता है और एक पिन वाल आता है। पिंच वाल मतलब जिस सिलेंडर के अंदर एक पिन वाल होगा, जैसे R600 गैस के अंदर आता है, हाइड्रोकार्बन ब्लेंड में आता है, तो उनके अंदर अगर ये आप यूज करेंगे तो पिन टाइप का होगा, पुश टाइप का होगा, और जिसका सरफेस पैक होता है, जिस कैन के ऊपर का जो ढक्कन होता है बिल्कुल पैक होता है, उसके अंदर पिन टाइप का यूज होता है। इन दोनों पे काम अलग अलग तरीके से होते हैं, तो जिस टाइप की कैन ले रहे हैं आपको उस टाइप का वाल रखना होगा। ये कुछ रेफ्रिजरेंट सिलेंडर हैं जिनको आपको पर्सनली, मेरा सजेशन रहेगा R32, R410A, R22, इनके लिए आपको हमेशा सिलेंडर यूज करना है। ठीक है, तो आपको सिलेंडर यूज कीजिए आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे काफी जो टेक्नीशियन है वो 2 किलो से लेके 5 किलो तक के सिलेंडर यूज करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत ये भी सावधानी रखनी है कि अगर हाई प्रेशर गैस है जैसे R32 है, R410 है, तो उनको पूरा फिल ना करवाएं। जैसे आपने अगर 5 किलो का सिलेंडर लिया है तो उसमें 3.5-4 किलो या मैक्सिमम 4.5 किलो तक, यानी कुछ एरिया स्पेस फ्री रखे उसमें, ताकि उनके अंदर का जो प्रेशर है वो बैलेंस रहे। अगर आपने फुल करवा लिया तो उसके अंदर हाई प्रेशर बनने की संभावना ज्यादा होती है। तो आप थोड़ा एक लिमिट जो आपको रिक्वायर्ड गैस है उससे थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर लेना चाहिए। ये है रेफ्रिजरेंट रिकवरी स्टेशन, जो कि जनरली आपके डोमेस्टिक लेवल पे यूज नहीं होता है, ये होता है कॉमर्शियल लेवल पे, जहाँ पे गैस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और माइनर से लीकेज के अंदर ये गैस को सेव करने के काम आती है। फिर कोई ऐसा सिस्टम है, मान लो कंप्रेसर हो गया, उनके कंडेंसर चेंज करने हो गए, तो उनके अंदर रेफ्रिजरेंट पूरी होती है, उसको वापस रिकवर करने के लिए रेफ्रिजरेंट रिकवरी स्टेशन यूज किया जाता है। तो ये डोमेस्टिक लेवल नहीं रहेगा। देन आता है फास्टनर, जो कि आपको आउटडोर लगाने में ज्यादा इजी होंगे। जो आप फील्ड में स्टैंड लेते हैं आउटडोर के, उनके साथ में 6 mm और 8 mm के फास्टनेट आते हैं। मेरा पर्सनल राय है आपको कि आप उसके अंदर 10 mm का मिनिमम जो फास्टनेट है वो यूज करें, और स्टैंड के अंदर 5-5 नट के लिए होल आते हैं, तो दोनों ही साइड मिनिमम मिनिमम तीन तीन फास्टनेट लगाने की संभावना रखें। आप उसकी क्वांटिटी कम ना करें। आप ये चाहते हैं कि मैं 4 पे ही टिका दूं, नहीं, दो एक स्टैंड पे, दो दूसरे स्टैंड पे, ऐसा नहीं करना है। आपको मिनिमम मिनिमम और तीन का सेट यूज करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं थिम्बल्स, जो कि आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं उस टाइम पे थिम्बल की बहुत जरूरत होती है, जिसके अंदर एक स्क्रू वाला थिम्बल आता है, एक पुश वाला आता है। तो आपको ये दो तीन टाइप के थिम्बल आपके पास होने बहुत जरूरी है। कुछ यू टाइप के भी आते हैं, उनका यूज होना चाहिए। ये आते हैं सर्विस वाल, लिक्विड वाल भी आते हैं इसमें, सर्विस वाल भी आता है। तो सर्विस वाल कौन सा होते हैं, जिनके अंदर आप प्रेशर देने और सारा काम करने का जो वाल आता है उसे हम सर्विस वाल बोलते हैं, जिसके अंदर एक पिन वाल इंक्लूड होता है, जिसमें पिन वाल नहीं होता है, केवल एलन की का वाल होता है और प्लस आपके फ्लैट नट का साइड होता है। अगर ये दो ही साइड का है तो वो सर्विस वाल नहीं है, वो लिक्विड वाल होता है। और जहां पे ये पिन वाल का भी एक ऑप्शन दिया जाता है, इसी से आप सारा काम करते हैं, प्रेशर देना, लीकेज ढूंढना, या फिर आप वैक्यूम करना, गैस चार्जिंग करना, उस वाल को हम सर्विस वाल के नाम से जानते हैं। देन आता है एक्सपेंशन डिवाइस, जो कि आप कैपिलरी के रूप में भी देख सकते हैं। देन आता है इस टाइप के कुछ आते हैं जो थर्मोस्टेटिक आते हैं, और ये जो आते हैं ये इलेक्ट्रिकल आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाला आता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस। यह है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन डिवाइस और यह है कैपिलरी टाइप। ये कुछ ब्रेजिंग फिटिंग है कॉपर की, जैसे आप इसको डिफ्यूजर कहते हैं, स्ट्रेट यूनियन आ गया, एल्बो आ गया, टी आ गया, ये सारी चीज की है जो आप ब्रेजिंग के टाइम पे यूज करते हैं एज पर रिक्वायर्ड। ये कुछ ब्रास नट्स हैं, जो कि आप इनडोर टू आउटडोर जब आप फ्लैट नट लगाते हैं तो इस टाइप के कुछ नट्स होते हैं जो एज पर रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हैं, जैसे डेड नट हो गया, डेड प्लग हो गया, इस टाइप का आप यूज कर सकते हैं। देन ये आता है पिनवाल। पिनवाल अधिकतर आप जैसे विंडो एसी का गैस चार्जिंग या सर्विसिंग के लिए जाते हैं,
तो उसके लिए आप सेक्शन लाइन के ऊपर एक पिन वॉल अटैच करते हैं, पिन वॉल एनआरडी वॉल जिसे हम बोलते हैं नॉन रिटर्नेबल वॉल। इसके अंदर सेम यही होता है कि अगर आप इसको पुश करोगे तो ये इसके अंदर गैस का प्रेशर जाने देगा या निकालने देगा, वरना अगर आपके उसके ऊपर चार्जिंग लाइन निकाल देते हैं तो ये पिन वापस रिलीज हो जाती है और गैस को बाहर नहीं आने देती। ये सिंपल वाल्व है जो कि काफी बार आप क्वार्टर की जो चार्जिंग लाइन उसका यूज करते हो, और अगर बड़ी वाली साइज की मिल रही है तो आप इसका यूज कर सकते हो। इसमें ऑन ऑफ का एक सेटअप वाल्व होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको इसका कम यूज करके आपको प्रॉपर चार्जिंग लाइन ही बड़े नट की अगर सही होती है तो आप यूज कर लीजिए R32 और R410 के लिए। नेक्स्ट आता है ये साइड ग्लास जो कि आप गेज मैनिफोल्ड के अंदर देखते हैं। इसके अंदर आपको लिक्विड कंडीशन और ड्राई कंडीशन दोनों आप इसमें देख पाएंगे गेज की कंडीशन को। ये कुछ कॉपर फिटिंग्स है, यू बैंड है, एल्बो है, 45 डिग्री है। ये भी सेम ब्रास फिटिंग में है जो कि आप फ्लेयर नट वगैरह टाइप के। ये है आपके कॉपर ट्यूब विथ इंसुलेशन। कॉपर ट्यूब अलग अलग साइज की आती हैं, अपने जो मेन डोमेस्टिक लेवल पे जो काम आती है वो आती है क्वार्टर, हाफ, 3/8 एंड 5/8। ये चार टाइप की ट्यूब ज्यादा यूज होती हैं। इनको ऊपर ये जो इंसुलेशन फॉर्म है ये लगाना बहुत जरूरी है। इनको आप ऐसा ना करें कि आप इनको हटा के यूज करें, कॉपर ट्यूब के ऊपर इंसुलेशन होना जरूरी है जो कि कंपनी भी साथ देती है। और आप अगर बाहर ओपनली काम कर रहे हैं, काफी बार मैंने कुछ जगह ऐसा नोटिस किया था कि जब अंडरग्राउंड पाइप फिटिंग करते हैं तो उसके अंदर इंसुलेशन नहीं लगाते हैं कि कॉपर की हाफ और क्वार्टर की लाइन डाल के उसको छोड़ दिया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, इसके ऊपर इंसुलेशन का ध्यान जरूर रखना है, नहीं तो कूलिंग के अंदर इफेक्ट देखने को मिल सकता है। प्लस एक पॉलीविनाइल टेप आती है जो कंपनी अधिकतर देती है साथ में, उसका भी आप यूज करें जिससे इस इंसुलेशन की लाइफ लॉन्ग टाइम तक रहेगी। तो कुछ इस टाइप के जो टूल्स हैं हमारे पास में कंपलसरी होना जरूरी है, और इनमें से जो कुछ टूल्स हैं जिनका मैं आपको प्रैक्टिकली यूज करके दिखाऊंगा, और आपको इस टाइप की वीडियो और जल्दी से जल्दी मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा एक पिन टू पिन वीडियोस बनाने की जिनके अंदर आपको हर एक टूल के बारे में बारीक से बारीक जानकारी मैं आपको दे सकूं। तो इसी और टाइप की कोई वीडियोस को आपको जरूरत है, आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, प्लस आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।